गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र तिवारी सर आज आप लोगों को चूजे की समझदारी के विषय में बताने जा रहा हूं। इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। एक मुर्गी अपने चूजे के साथ रहती थी। शाम होने वाली थी। मुर्गी को भोजन तैयार करने के लिए सब्जी लेने बाजार जाना था। वह बच्चों को समझाकर बाजार जाने के लिए बोली, तुम लोग दरवाजे को मत खोलना, घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि एक बिल्ली है जो बहुत खतरनाक है। बच्चे पूछते हैं, खतरनाक का अर्थ क्या होता है? मुर्गी ने बताया, जिससे खतरा होता है वही खतरनाक होता है। काली बिल्ली जो है वह बहुत खतरनाक है, तुम लोग इससे बच कर रहना। यह समझा बुझा कर मुर्गी बाजार चली गई। इसका फायदा उठाकर कुछ समय बाद वह काली बिल्ली आई और बच्चों से बोली, बच्चों मैं तुम्हारी मौसी हूँ, दिल्ली से आई हूँ, तुम्हारे लिए लड्डू लाई हूँ, तुम दरवाज़ा खोलो। इस पर बच्चे माँ के बताए हुए बात को याद रखे थे, बोले कि नहीं नहीं, मेरी माँ यह बता कर गई है कि एक काली बिल्ली रहती है जो बहुत खतरनाक है, इसे तुम लोग बच कर रहना। तुम मौसी यहीं रुको, मेरे कालू मामा छोटू मामा हैं, वो आ रहे हैं, चाबी उन्हीं के पास है, तुम उनसे लेकर चले दरवाज़ा खोलकर आ जाना। बिल्ली इस पर पूछती है कि छोटू मामा कौन है? चूजे ने बताया कि जो ऊँट के समान पूछे लंबे हैं वे काला कुत्ते हैं, जो मेरे मामा हैं, चाबी उन्हीं के पास है, आते हैं तो तुम चली आना। यह बात सुनकर बिल्ली थर थर काँपने लगी और बच्चों से बोली कि बच्चों एक बात मुझे याद आ गया, मैं तुम लोगों के लिए कुछ सामान ला रही थी जो वहीं छूट गया है, उसे लाने के लिए मैं जा रही हूँ, है ना, फिर मैं आकर यहाँ आऊँगी। इस बात को बच्चे सुनकर बोले कि मौसी ठहरो, मेरे छोटू मामा आ रहे हैं, तब तुम चली जाना। यह बात सुनकर बिल्ली नहीं ठहरी और वहाँ से भाग गई। बच्चों इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने बड़ों के बताए हुए बात को हमें याद रखना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए तथा सदा सत्य बोलना चाहिए। बच्चों इस पाठ में जो शब्दार्थ है यहाँ पर लिख दिया हूँ, इसे आप लोग तैयारी करेंगे, याद कर लेंगे।